सोचा नहीं गया था कि अडानी कांड इस देश में हो सकता है और शेयर बाजार की चूलें हिल सकती है, सोचा नहीं गया था। और खास तौर से शेयर बाजार के भीतर जब उस बाजार से जुड़े लोगों को परखिएगा तो हर कोई कह रहा है हम बजट को लेकर अब उतने बेचैन नहीं है जितने बेचैन कल अमेरिका के फेडरल बैंक के उस फेडरेशन की बैठक को लेकर है जिसमें तय होना है कि दरअसल आने वाले वक्त में वहां पर इंटरेस्ट रेट कैसा बढ़ेगा। यानी वहां पर फेडरेशन की बैठक अमेरिका में तय करेगी वहां के सेंट्रल बैंक को लेकर कि रेपो रेट बढ़ाया जाए, और अगर रेपो रेट 0.5% बढ़ गया तो फिर भारत का बाजार उस ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे अमेरिका के फेडरेशन की कौन सी कमेंट्री रहती है, क्योंकि भारत के भीतर शेयर बाजार में जो हिचकोले खा रहा है उसमें कई सवाल एक झटके में निकल कर आकर खड़े हो गए हैं। जो रेगुलेटर हैं खास तौर से सेबी और आरबीआई, दोनों की भूमिका एक रेगुलेटर के तौर पर नहीं है और नकेल कसपाने की स्थिति में नहीं अगर सरकार का वर्धस्त कॉरपोरेट के साथ जुड़ जाए और कॉरपोरेट का लाभालाभ उसके वैल्यूशन के साथ होने लगे। इस त्रासदी के बीच अडानी कांड ने सरकार को इसलिए हिला दिया क्योंकि बजट से ठीक पहले एफपीओ लाकर बाजार के भीतर जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसे अपने अनुकूल करने की अडानी ने भी सोच रखी थी या अडानी ग्रुप ने सोच रखी थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो जमी के नीचे से रेड कारपेट खींच ली उसका असर यह हुआ कि अडानी को बचाने के लिए आज जब एफपीओ का आखिरी दिन था तो उसकी खरीद और किसी ने नहीं की बल्कि गुजरातियों ने ही की, और 90% गुजराती कंपनी और गुजरात से जुड़े हुए व्यापारियों ने लगभग 90% से ज्यादा एफपीओ ले लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि लगभग 1,500 रुपए इस दौर में जो कॉल मनी होती है वह दिए गए और रेट जो था वह 3150 रुपए का था, शेयर जो था वह 29 रुपए में था। तो गुजरातियों के सारे काम क्या अडानी के जरिए ही होते हैं? और अडानी ग्रुप इस दौर में लगातार गुजरातियों को बतला भी रहा था हम नहीं बचे तो आप भी बचेंगे नहीं, और यह स्थिति क्या सरकार की आकर भी खड़ी हो गई कि अब वह शेयर बाजार के सेंटिमेंट्स को देखे या इस देश में चुनावी वोटरों के मद्देनजर लोगों को देखे जो कि बजट के आसरे बहुत संतोष चाहते हैं।